क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर नीतू है सर। नीतू। नीतू नाम है आपका? तो सर एक दो साल हो गए सर कैंसर को। अच्छा, ये चेहरा ढक लो आप अपना। दो साल से कैंसर है आपको? कैंसर ना, दूध पीना आपके नाम दूधी से पीते दूध मतलब दूधी से। अच्छा, खाना नहीं खा सकते आप? खाना खाना ना जाते परमिशन ले ली। देखिए, इनको माउथ कैंसर है और ये कह रहे हैं कि हम खाना नहीं खा सकते। सर छोटे छोटे एक दूध पीते देखिए, इनकी बात भी समझ में नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। इधर कितने बच्चे हैं? छह बच्चे हैं। एक साल की है, दूध पीते हैं। आपके आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। उनको चोर लग गए, सब बैठ गए हैं। मैंने तो अभी आपको जो अंदर थे आप, मैंने आपको पैसे दिए थे, लास्ट टाइम भी दिए थे, आज भी पैसे दिए मैंने आपको। हाँ, है तो फिर क्या परेशानी है? हमने दवाई ला ली और हमने ला दी इनने बाहर से लिख रही दवाई। अच्छा, डॉक्टर ने बाहर से दवाई लिख दी है? दवाई लेके आए। तो आप रो क्यों रहे हो? बच्चे भूखे रह जाते हैं। ये बच्चे भूखे सर, हम रोज डेली आते सर, 100 रुपए लगता सर एक तरफ से। अच्छा, नोएडा से आते हैं? 100-200 रुपए आने जाने में लगते हैं। तो कैसे कैसे करते हो पूरा? आपने दिए थे उस दिन 2000, दवाई ले ली 1200 मत पकड़िए। हमने देखो, हमने हमने सुनिए, परेशान है अपने शरीर से, बहुत परेशान है। इधर पैसे में बहुत बहुत लग गए सर, क्या कमाएं क्या खाएं, वो समझ में नहीं। मम्मी पापा हमारे मर गए सर, हमें दोनों पुरानी है, 6 बच्चे है। और जब तो हमारे जो नए संग आए तो क्या हमारे। अच्छा, 6 बच्चे हैं और ये मजदूरी करने वाले ये आपके साथ में रहते हैं? तो घर में राशन है ये नहीं? सच्ची बताओ, राशन है? राशन सर नहीं है सर। अरे, मैंने 5 किलो का कट्टा लाओ उधार है? उधार 5 किलो का कट्टा लाओ। 5 किलो का कट्टा उधार लाए हो? देखिए, ये स्थिति आ जाती है क्योंकि ये जो कैंसर है ना, ये इंसान को तोड़ देता है। ये मेरी बहन है, नीतू नाम है आपका? नीतू, ये नीतू नाम है। और ये हमने लास्ट हफ्ते भी इनकी मदद की थी, इस हफ्ते भी हमने मदद की है इनकी पैसों से। लेकिन इन्होंने फिर ये मेरे पास आ गई कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है। 5 किलो आटा लाए थे, घर का किराया हो गया और दूसरा राशन का, राशन वाले का किराया होगा, वो भी परेशान करता होगा। बर्तन फेंक दो, मेरे बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी? जल्दी बच्चों मैं सही हो जाऊंगी, तुम्हारे सर दे दूंगी, तुम्हें मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपने कहा कि मैं सही हो जाऊंगी तो आपके पैसे दे दूंगी? मैं सही हो जाऊंगा तो तुम्हारा जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले लिया मैंने। ये बोलते कि जिंदगी भर का ठेका थोड़े ले लिया? आपने बताया नहीं कि मुझे कैंसर है? नहीं, मानते। चलो कोई बात नहीं बहन, मैंने देखो तुम्हें मदद तो कर दी थी मैंने, लेकिन मैं फिर मैं मदद कर रहा हूँ आपकी। सर, आप मेरी मदद करने का जी, आपकी राह देख रही हूँ। अरे, मेरा इंतजार करती हो? हमारे भगवान है। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ मेरी बहन। मेरा सबका काम ही है, ठीक है ना? आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। जी जी, कुछ मैंने पैसे दिए थे, रो मत रो मत, आप ये रखो पैसे, ठीक है ना? परेशान मत हो, इनसे कुछ आटा वगैरह ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, जो परेशान है उसकी परेशानी देखो। ये मेरी नीतू बहन परेशान थी, इसको हमने पहले ही मदद की थी, अभी मदद कर रहे हैं। और आप भी अपने अपने इलाकों में देखो, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, खुश रहो बहन, ठीक है? आप जाओ अच्छे से और फिर आगे फिर आएंगे, फिर मदद करेंगे आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों की मदद करते रहें क्योंकि
न जाने ये मदद कब आपकी किस्मत बदल दे। इन लोगों की जो दुआ है वो कभी भी खाली नहीं जाती, हमेशा दुआ कबूल होती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि ये लोग दिल से दुआ देते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।